स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड चाओ शेंगनेन को देखते हैं, जो चाइना की टॉप फिफ्थ बिगेस्ट कंपनी की प्रेसिडेंट होती है और अभी यूएस के जेल से बाहर आई थी। इनफैक्ट वो एक गलत केस में फंस गई होती है, बट वो इनोसेंट साबित होती है। असिस्टेंट कहती है, प्रेसिडेंट आपकी 100 बिलियन के एसेट्स अनब्लॉक हो गए हैं और कंट्री ने आपके लिए फ्लाइट अरेंज करवाई है जो आपको वापस चाइना ले जाएगी, क्या आप कहीं और जाना चाहेंगी? शेंगनेन कहती है, नहीं, मुझे वापस अपने विलेज ही जाना है, मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो याद करती है कि पहले वो और मॉम बहुत खुश थे, पर जब डैड जाओहुआ को अपनी मिस्ट्रेस बना लाए तो शेंगनेन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने झाड़ू उठा लिया। वो उनको अंदर जाने से रोकती है, पर दादी उसको रोककर उनको अंदर ले जाने लगती है। शेंगनेन कहती है, डैड आप इतने साल से घर नहीं आए और अब जब आए हो तो एक मिस्ट्रेस को प्रेग्नेंट करके ले आए, क्या आपने एक बार भी मेरी मॉम के बारे में नहीं सोचा? डैड कहते हैं, देखो अपनी मॉम को कितने पुराने कपड़े पहनती है, क्या मैं इतने बड़े बड़े लीडर्स और प्रेसिडेंट के सामने इसको लेकर जाऊंगा? वो कहती है, तो अब जब आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप कुछ भी करेंगे। डैड को गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मार देते हैं। जाओहुआ कहती है, वैसे भी हम तुम्हारी शादी बॉस लियो के साथ 2 दिन में करवाने वाले हैं, एक 50 साल के बुड्ढे के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। शेंगनेन कहती है, डैड क्या आप मुझे एक बुड्ढे को बेच रहे हैं? मॉम कहती है, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी, वह कुछ दिनों में कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देगी और पास होकर पढ़ने के लिए सिटी भी जाएगी। डैड कहते हैं, अगर तुमने इसकी शादी बॉस लियो से नहीं करवाई तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वो कहती है, अगर तुम्हें डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स ही सही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉम उसका वेट कर रही होती है और तभी शेंगनेन आती है। मॉम उसे उसका रिजल्ट पूछती है तो वह कहती है कि वह फेल हो गई, लेकिन उसकी आंटी उसका रिजल्ट बैग में रखा देख लेती है कि वह पास है और वह सबको दिखाती है। मॉम पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला? और मॉम समझ आती है कि उसने पैसे ना होने की वजह से ये सब किया। मॉम कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके पैसे जल्दी कमा लूंगी। फिर शेंगनेन पैसे गिन रही होती है तभी उसकी माँ पैसे लेकर आती है। शेंगनेन कहती है, माँ आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तभी जाओहुआ आती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैंने दिए हैं, आखिर मैं अपने घर की नौकरानी को पैसे नहीं दूंगी क्या? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी माँ पिछले 2-3 महीनों से मेरे घर नौकरानी का काम कर रही थी? शेंगनेन देखती है कि उसकी माँ के हाथ जले हुए हैं, वो भी सिर्फ उसकी वजह से, और जाओहुआ उनका मजाक बनाकर चली जाती है। शेंगनेन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसको मारने के लिए बैट उठा लेती है, पर उसकी मॉम उसको रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकती तो उसकी मॉमी उसको थप्पड़ लगा देती है, लेकिन उनको बहुत बुरा भी लग रहा था। मॉम कहती है, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए करा था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है वैसे तुम्हारे साथ भी हो। तुम सिटी जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना। और वो रोते हुए उसको हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेंगनेन और मॉम बस का वेट कर रहे होते हैं और तभी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड और हमारा मेन लीड एरकियांग आता है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एरकियांग कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आया हूँ और ये लो कुछ पैसे रख लो। शेंगनेन कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और उसका लॉकेट ढूंढती है। शेंगनेन कहती है, तुमने अपना लॉकेट बेच दिया, तुम्हें पता है ना सिर्फ उस लॉकेट से तुम अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ सकते थे। और उसको लॉकेट वापस लाने को कहती है। वो भाग जाता है और भागते हुए कहता है, तुम वहां पर अपना ध्यान रखना और बहुत सारा खाना खाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो वो भी उसे बाय करके बस में बैठ जाती है। सिटी में उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो कुछ सालों में टॉप फिफ्थ बिगेस्ट कंपनी की प्रेसिडेंट भी बन गई थी। असिस्टेंट कहती है, प्रेसिडेंट अब तो हमारी कंपनी यूएस में भी लिस्टेड हो गई है, अब तो आप बहुत खुश होंगी। शेंगनेन कहती है, हाँ मैं वापस मॉम के पास जा सकती हूँ, पर इस गलत केस में फंसने की वजह से मेरे 3 साल वेस्ट हो गए। वो ये सब याद करके थोड़ी दुखी होती है। दूसरी तरफ हम डैड की बिजनेस पार्टी देखते हैं, जहाँ पर जाओहुआ मॉम को बताती है कि इतने साल हो गए तुम्हारी बेटी अभी तक वापस नहीं आई, मुझे लगता है ना उसने अपने आप को किसी बुड्ढे को बेच दिया होगा। वहां पर खड़े सभी लोग बातें बनाने लग गए थे, अरे बताओ जी बताओ, दिखने में तो इतनी शरीफ थी और वहां जाकर ये सब काम करके पैसे कमा रही है। मॉम कहती है, मुझे मेरी बेटी पे पूरा विश्वास है, वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी, वो तुम्हारी तरह नहीं है। जाओहुआ को गुस्सा आता है और उन्हें थप्पड़ मार देती है। तभी बहुत सारी कार्स एक साथ आती हैं जिससे शेंगनेन निकलती है और अपनी माँ को ऐसे देख के शॉक हो जाती है। शेंगनेन पूछती है, किसने मारा इन्हें? जाओहुआ बताने लगती है कि मैंने, पर उसकी बात पूरी करने से पहले ही शेंगनेन उसे थप्पड़ लगा देती है। डैड कहते हैं, तुम मेरी जगह पर आके तमाशा कर रही हो? शेंगनेन कहती है, तमाशा तो मैं करूंगी, और अपने गार्ड्स को पार्टी पर बात करने का ऑर्डर दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉम शेंगनेन को घर लेकर आती है और उसे बैठने को कहती हैं, पर तभी शेंगनेन नील डाउन होकर उनसे माफी मांगती है। शेंगनेन कहती है, मॉम मुझे नहीं पता था कि आपने इतने सालों से इतना दर्द सहा होगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतनी लेट आई।
मॉम कहती हैं ऐसा नहीं है, इन कुछ सालों में मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, पर तभी आंटी और अंकल आकर उसे बताते हैं कि चाओ फैमिली ने गांव वालों के साथ मिलकर उनको कितना परेशान किया। शेंगनन कहती है मैं चाओ फैमिली से रिवेंज लेकर आऊंगी। शेंगनन मॉम से पूछती है मॉम आपको इतने सारे गिफ्ट किसने भेजे और आप इनको खोल क्यों नहीं रही हो? वो कहती है मुझे नहीं पता कि ये किसने भेजे हैं और इनमें नाम भी नहीं लिखा है इसलिए मैं इनको नहीं खोल सकती। फिर शेंगनन गिफ्ट देकर सोचती है कि बचपन में उसने एरकियांग को बच्चों से बचाया था, तब उसके बहुत चोट लग गई थी और उन दोनों ने साथ रहने का प्रॉमिस करा था, तो कहीं उसी ने तो नहीं भिजवाए। शेंगनन कहती है मॉम जब से मैं आई हूँ मैंने एरकियांग को नहीं देखा। मॉम कहती है मैंने सुना है कि किडनैपर्स ने उसे किडनैप करके हमारे गाँव में छोड़ दिया था और 2 साल पहले उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसको ढूंढ लिया था और वो उसको लेकर यहाँ से चले गए हैं। ये सुनने के बाद शेंगनन थोड़ा सैड हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेन लीड एरकियांग को देखते हैं। नौकर कहते हैं यंग मास्टर हमें पता चला है शेंगनन अपने विलेज में वापस आ गई है। वो उनको वहां चलने का ऑर्डर देता है। जाओ कहती है शेंगनन मुझे लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तुम अपनी मॉम के 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होटल बुक करवा सको। कोई बात नहीं हम तुम्हें होटल में डिस्काउंट दे देंगे। शेंगनन कहती है हमें आपके डिस्काउंट की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं तो मैं भी देखता हूँ तुम अकेले कैसे कर लेती हो। शेंगनन कहती है ठीक है फिर देख लेना। और तभी उसके असिस्टेंट बहुत सारी कार्स और ट्रक के साथ सामान लेकर आती है। असिस्टेंट कहती है प्रेसिडेंट सब तैयार है क्या हम शुरू करें? शेंगनन कहती है हाँ शुरू करो। और उसके गार्ड्स पार्टी की डेकोरेशन करना शुरू कर देते हैं। मॉम कहती है शेंगनन ये सब कितना महंगा है तुम्हें मेरे लिए इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। शेंगनन कहती है मॉम आज आपका बर्थडे है मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। दोनों माँ बेटी फायर क्रैकर्स को देखकर खुश हो रही थी पर चाओ फैमिली का तो ये सब देखकर मुंह ही खुला रह गया था। पर उनसे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो वो लोगों को भड़काने लगते हैं। फिर शेंगनन कहती है जो भी लोग इस पार्टी के लिए आए हैं उन सबके लिए गोल्ड गिफ्ट्स हैं। चाओ फैमिली फिर से हैरान और दादी का तो मुंह ही खुला रह गया था। सारे गेस्ट गिफ्ट लेने के लिए भागते हैं और डैड वहीं पर बुड़क जाते हैं। शेंगनन कहती है सबको गिफ्ट्स मिले हैं ना। और तभी उसका डैड आकर कहता है देखो मुझे गिरने की वजह से कमर में कितना दर्द हो रहा है इसलिए तुम मुझे भी एक गोल्ड बार दे दो। तो शेंगनन एक गोल्ड बार उठाती है। डैड को लगता है कि वो उसे दे रही है लेकिन वो कहती है किसने आपको गिराया है? तो एक आदमी कहता है मैंने। तो वो उसे वो गोल्ड बार देकर कहती है आपने बहुत अच्छा काम कराया है ऐसे ही करते रहना। वह आदमी सबको कहता है चलो साथी शुरू हो जाओ और सब लोग उसके डैड को मारने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एरकियांग जिसकी कार खराब हो गई थी वह देखता है कि वहां से ट्रक जा रहा है। फिर क्या वो उनको उनकी गाड़ी के बदले अपनी वॉच दे देता है। शेंगनन और उसके मॉम पार्टी करके एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी एरकियांग की आवाज आती है। शेंगनन उसकी तरफ भागती है। एरकियांग को लगता है कि वो उसे हक करेगी लेकिन वो तो उसको थपड़ा लगाकर कहती है अब हम बच्चे नहीं रहे। शेंगनन कहती है तुम्हें पता था कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है इसलिए तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हो ना। वो स्माइल करता है वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी मिल गए हैं। तो वो हाँ में सिर हिलाता है। तो शेंगनन कहती है फिर तुम्हारा असली नाम क्या है? वो बताता है चूहाओ। शेंगनन कहती है तुम्हारा लास्ट नेम और कंट्री का रिचेस्ट मैन का लास्ट नेम सेम कैसे है? एरकियांग कहता है मेरे डैड कंट्री के रिचेस्ट मैन ही है। उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने उसे ट्रक से आते हुए देख लिया था। तो वो उसे कहती है तुम्हें पता ना मेरे डैड तो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आते हैं। और अपने डैड को बिल गेट्स बताती है। इनफैक्ट वो मजाक कर रही थी। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा और जल्दी मैं फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने वाला हूँ। तो वो कहती है हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम फार्मिंग करना छोड़ दो और मेरी कंपनी में आ जाओ मैं पूरी गारंटी देती हूँ तुम्हें बेस्ट स्पाइसी फूड खिलाऊंगी। और वो इसके लिए मान भी जाता है। शेंगनन और मॉम बातें कर रहे होते हैं तभी एरकियांग एग नूडल्स बनाकर लाता है। शेंगनन कहती है वाओ एग नूडल्स आपको पता जब मैं ओवरटाइम काम करती थी ना तब मुझे एरकियांग के एग नूडल्स की बहुत याद आती थी। और खाने लग जाती है। एरकियांग उसे खाते हुए देखने लगता है और मॉम ये देखकर बहुत खुश होती है। शेंगनन ने सारे नूडल्स खत्म भी कर दिए थे पर अभी तक एरकियांग उसे देखे जा रहा था। वो कहती है तुम अभी तक गए नहीं? एरकियांग कहता है हाँ वो मैं सोच रहा था कि मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं और बाहर इतने सारे कुत्ते और बिल्ली भी होंगे तो मैं क्या करूं लेकिन कोई बात नहीं मैं काम चला लूंगा। शेंगनन कहती सही कहा तुम यहीं रहो अगर वो लोग दिखे ना तो स्टिक से मार के भगा देना। मॉम उसे मारकर कहती है एरकियांग बेटा तुम शेंगनन के रूम में रुक जाओ और शेंगनन तुम मेरे रूम में मेरे साथ सो जाओगी। और वो दोनों एक दूसरे को घूसा दिखाकर चले जाते हैं। मॉम उससे पूछती है शेंगनन तुम एरकियांग के बारे में क्या सोचती हो? शेंगनन कहती है मुझे लगता है कि
वो बचपन की तरह स्टूपिड है। मम कहती है पागल लड़की अब सो जाओ, और वह उसे गाकर सुला देती है। सुबह दादी उनके घर पे आती है। शेंगनन उनसे पूछती है आप यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है मैं तो बस अपनी बहू और ग्रैंड डॉटर से मिलने आई थी। वो कहती है मुझे पता है कि आप किसी रीजन से यहाँ पर आई हो, तो सीधे से पॉइंट पर आ जाओ। तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का लेकर आई हूँ, इससे मिलो। वो आदमी कहता है तुम में ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। शेंगनन उससे कहती है मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, चलो जाओ यहाँ से। उसकी दादी कहती है तुम्हें पता भी है ये किचन फैक्ट्री का ओनर है, 1 महीने के 3,000 कमाता है, इतना अच्छा लड़का लेकर आई हूँ तब भी तुम मना कर रही हो। पर शेंगनन उसकी बेइज्जती करने लगती है, उसे गुस्सा आता है और उसके थप्पड़ मारने लगता है। पर एकियांग आकर उसका हाथ ही मोड़ देता है और उसने इतने तेज से धक्का दिया था कि वो दोनों ही बुड़क जाते हैं। वो आदमी कहता है मुझे समझ आ गया है कि तुम लोगों ने मेरा तमाशा बनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, चलो अब मेरे 10,000 मुझे वापस करो। तभी मोम आकर एरकियांग कहती है मुझे लगता है तुम्हें अपनी पावर्स इन दोनों को दिखा देनी चाहिए, और एरकियांग उन दोनों को झाड़ू से मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तो एरकियांग गुलेल मारकर उनका मुंह बंद कर देता है और वो लोग हंस रहे थे। सीन में शेंगनन के फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे तो वो सीढ़ियों पे चढ़ जाती है और फिर सीढ़ियों से गिरने वाली होती है। तभी एरकियांग आकर उसे पकड़ लेता है, बट उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तभी मामा चाहती है और कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। फिर शेंगनन वहां से शर्माकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों किसी बिग बॉस के आने की बात कर रहे थे और तभी वो एक रोल्स रॉयस को जाते देखते हैं। डैड सोचते हैं लगता है कि बिग बॉस आ गया। असिस्टेंट कहता है बॉस आप शेंगनन को अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बता देते। वो कहता है मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और अगर मैं उसको अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी तो कहीं वो मुझसे दूर ना चली जाए। दूसरी तरफ वो तीनों छान कर देखते हैं कि एरकियांग असिस्टेंट से बात कर रहा था। डैड कहते हैं मुझे लगता है कि एरकियांग के बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत अमीर हैं। जावा कहती है और ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इसके और शेंगनन के बीच काफी अच्छे रिलेशन है। तो कजन कहती है आप बस देखते रहिए मैं इसे कैसे अपना बनाती हूँ। वो दोनों वर्कर्स की हेल्प करवाकर जैसे ही लंच करने बैठते हैं तभी कजन आ जाती है और कहती है ब्रदर एरकियांग देखिए मैं आपके लिए लंच बनाकर लाई हूँ। तो एरकियांग शेंगनन से पूछता है ये कौन है। शेंगनन बताती है कि ये मेरी कजन है। कजन कहती है पर आप मुझे जालुन बुला सकते हैं। शेंगनन पूछती है तुम दोनों इतना क्लोज कब हो गए। तो कजन कहती है तुम्हें नहीं पता मैं और ब्रदर एरकियांग बचपन के स्वीट हार्ट हैं। और वो शेंगनन का लाया हुआ खाना भी फेंक देती है। एरकियांग उसे कहता है अगर तुमसे खाना नहीं बनता तो खाना वेस्ट भी मत किया करो। तो कजन गुस्से होकर भाग जाती है। फिर वो खड़ी होकर प्लान बना रही थी तभी एक बच्ची को बुलाती है और रिश्वत में लॉलीपॉप देकर कहती है बेटा तुम उन भैया के पास जाओ और कहना कि सिस्टर शेंगनन ने आपको आप पेड़ों के पास बुलाया है। वो बच्ची लॉलीपॉप खाते हुए गलती से किसी और के पास चली जाती है। वो आदमी पेड़ों के पास जाकर उसे ढूंढने लगता है। तभी कजन उसे पीछे से हक कर लेती है और उसे खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। इतने में शेंगनन वॉक करती हुई आती है। तभी कजन पेड़ों से बाहर निकलती है और कहती है तुम ब्रदर एरकियांग से दूर रहा करो वो सिर्फ मेरा है। शेंगनन कहती है तुमने एरकियांग के साथ क्या किया है बताओ मुझे। कजन कहती है मैं तो बस तुम्हारा बनने का प्रिटेंड करा था और वो यहाँ आ गया, फिर मैंने उसका बुरा बोलने से पहले शेंगनन उसको थप्पड़ लगा देती है। शेंगनन कहती है मेरे एरकियांग से दूर रहो समझी। और जब कजन उसको थप्पड़ मारने वाली थी तभी एरकियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। कजन कहती है ब्रदर एरकियांग अगर आप यहाँ हो तो फिर अंदर कौन। तभी वो वर्कर पेड़ों से बाहर निकलता है और रोते हुए भाग जाता है। और कजन का तो पोपटी हो गया था तो वो दोनों भी हंसते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों बारिश में भागते हुए घर वापस आते हैं और एक दूसरे को देख नर्वस हो रहे थे। एरकियांग कहता है शेंगनन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कब स्टार्ट हुआ, शायद अब जब तुमने बचपन में मुझे उन बच्चों से बचाया था, शायद अब जब तुम नूडल्स खा रही थी, मुझे वो सारे पल अच्छे लगते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, तुम हर चीज में बेस्ट थी पढ़ाई से लेकर स्पोर्ट्स तक, अगर मैंने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को नहीं ढूंढा होता तो फिर शायद मैं कभी तुम्हारे लायक नहीं बन पाता। शेंगनन खुश होकर उसे किस कर देती है। शेंगनन कहती है तुम अब से सिर्फ मेरे हो, तुम्हें दूसरी लड़कियों से दूर रहना होगा समझे, और वो स्माइल करता है। सुबह एरकियांग झाड़ू लगा रहा होता है तभी शेंगनन उठकर आती है। एरकियांग उसे हक करने के लिए हाथ फैलाता है, शेंगनन उसकी तरफ ही आती है बट तभी मॉम की आवाज आती है और उसे भुड़का देती है। मॉम के जाने के बाद वो पूछती है तुम्हें लगी क्या। एरकियांग कहता है बहुत, और शेंगनन उसे घिस कर देती है और दोनों हक कर लेते हैं। तभी मामा चाहती है, शेंगनन उसे भागने को कहती है लेकिन वह नहीं चाहता, उन्हें लगता है कि मॉम उन्हें मारेंगी। पर मॉम आकर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर कहती है मैं तो पहले से चाहती थी
तुम दोनों एक हो जाओ, मुझे लगा था शेंगनन से कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन अब तुम उसके साथ हो तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और नाचते चली जाती हैं। एरकिन कहता है शायद वो मुझे मारने आई थी, और शेंगनन उसके हाथ पे मार देती है। दोनों हंसते शर्मा रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉम अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि एरकिंग और शेंगनन अब साथ हैं, और वो दोनों उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। शेंगनन अपनी माँ को देख रही थी तभी एरकिंग आता है और वह डर जाती है। एरकिंग कहता है तुम क्या देख रही हो? शेंगनन कहती है देखो मॉम कितनी खुश है, मुझे डर है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो। और तभी जाहू आके बड़बड़ बोले जा रही थी तो शेंगनन भी उसे सुना देती है। मॉम और शेंगनन जब सोने जा रहे थे तभी उनके घर में लाइट चली जाती है, और बाहर से उनके घर पे कोई पत्थर मार के चला जाता है। और वो जैसे बाहर देखने भागती है, फिसल के गिरने वाली थी पर मॉम और एरकिंग आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर तेल गिरा हुआ है। एरकिंग कहता है मैं कल जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा, अभी हमें सोचना चाहिए। फिर शेंगनन सुबह मीटिंग के लिए जा रही थी, मॉम उसे घर में रेस्ट करने कहती है लेकिन वह उनकी नहीं सुनती। मॉम शॉप में सामान लेने आती है लेकिन वो उन्हें देने से मना कर देती है। पीछे से दादी बड़बड़ाने लग गई थी, मॉम को गुस्सा आता है और वो उनको थप्पड़ लगा देती है। तो दादी मॉम को पकड़वा देती है और मॉम के थप्पड़ मारने वाली होती है तभी एरकिंग आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और मॉम से पूछता है आप ठीक हो ना? दादी कहती है मैं इस लड़की को बचपन में खाना दिया करती थी और आज मुझे मार रहा है। और वहां पर खड़े सभी लोग उनके ऊपर सामान फेंकने लग जाते हैं और उनको यहाँ से जाने कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शेंगनन की मीटिंग में, सभी उसको और उसके प्रोजेक्ट को बेकार बताते हैं। तभी आंटी आकर शेंगनन को उसके साथ चलने को बोलती हैं, और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेंगनन वहां पर जेसीबी लेकर आती है और नीचे उतर कर कहती है मैंने सुना आप सब लोग यहाँ पे सामान बेचने के बजाय सिर्फ र्यूमर से फैला रहे हैं। दादी बड़बड़ाने लगती है और सब उनको यहाँ से जाने कहते हैं। शेंगनन कहती ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं तो ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे नहीं जाएंगे, इस शॉप को तोड़कर ही जाएंगे। तो शेंगनन उनकी दुकान तोड़वा देती है और जा रही थी। कमेटी के सब लोग उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि वो लोग ही गलत थे, लेकिन वह उनकी नहीं सुनती और आंटी अंकल के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं झाओ फैमिली भागते हुए अपने घर आती है क्योंकि गांव के लोग उनपे सामान फेंक रहे थे और उनको गांव से बाहर निकाल देते हैं। शेंगनन अपनी मॉम को लेकर उनके ग्रैंडपा के घर आती है, पर ग्रैंडपा मॉम को देख के गुस्से जाने लगते हैं। अंकल ग्रैंडपा से कहते हैं कि प्लीज सिस्टर को माफ कर दीजिए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, अब समझ आ गया है कि उसे झाओ फैमिली में शादी नहीं करनी चाहिए थी। पर ग्रैंडपा मॉम को पकड़ के ले जाते हैं और दिखाते हैं फ्लावर्स। उस लड़की ने तुम्हें दो फ्लावर्स देके इंप्रेस किया था और देखो मैंने तुम्हारे इतने सारे फ्लावर्स उगाए हैं। इनफैक्ट ग्रैंडपा ने मॉम को माफ कर दिया था और वो दोनों एक दूसरे को रोते हुए हक कर लेते हैं। फिर ग्रैंडपा वाटरमेलन सबके लिए लाते हैं और पहले अंकल को देते हैं। अंकल कहते हैं देखा डैड ने मुझे पहले दिया है, मतलब वो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या ये मीठा है? वो कहता है हाँ। ग्रैंडपा कहते हैं तो फिर ये मैं अपनी बेटी को दे सकता हूँ, और सब लोग हंसते हैं। फिर शेंगनन खाते हुए अपनी मॉम और अंकल की बचपन की किस्से सुन रही थी और सब लोग बहुत हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेंगनन ने एक फूड स्टॉल खोला हुआ था और एरकिंग कहता है पर यहाँ पर तो कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे। तो शेंगनन उसे नई जगह लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं और एरकिंग उसकी तारीफ करता है। पर दूसरी तरफ शेंगनन के स्टेप ब्रदर जी सबको उनके बारे में भड़काने लगा था। शेंगनन उससे कहती है कि तुम इससे बोलो ना, चिल्लाकर अपना गला खराब क्यों कर रहे हो? वो लोग ऐसे करते हैं लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वो सब उनके पास जाकर माफी मांगते हैं और शेंगनन उन्हें चिढ़ाते हुए एक वाटरमेलन देकर कहती है ऐसे काम करते रहना। तभी कुछ लोग चूहाओं को पहचान लेते हैं। एरकिंग डरते हुए शेंगनन को अपनी रियल आइडेंटिटी बताने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि वो लोग उसकी तरफ नहीं आ रहे थे तो वो अपना मुंह छुपाने लगता है। शेंगनन कहती है तुम कुछ कह रहे थे ना? एरकिंग कहता है हाँ वो मैंने अभी रियलाइज करा है कि तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो, और वो उसे हंसते हुए छूने को मना करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेंगनन आंटी और मॉम को शॉपिंग करवाने के लिए लाई थी और वो उन्हें अपना ब्लैक कार्ड देकर चली जाती है। आंटी पूछती है कि इसमें कितने पैसे हैं? वो कहती है 100 मिलियन। फिर वो शॉपिंग कर रहे थे तभी एक सेल्स गर्ल आकर उन्हें भगाने लगती है। आंटी कहती है हम यहाँ पर कपड़े खरीदने आए हैं, तुम हमें ऐसे कैसे निकाल सकती हो? सेल्स गर्ल कहती है तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि तुम लोग विलेज से आए हो, तुम लोग कुछ भी खरीदने के लायक नहीं हो। मॉम कहती है ठीक है तो फिर हम ये पूरा स्टोर ही खरीद रहे हैं, और अपना ब्लैक कार्ड दिखाती है। तो सेल्स गर्ल उनका ब्लैक कार्ड फेंक कर कहती है ये तो फेक है, और चेक करके देखती है तो शौक हो जाती है कि ये तो रियल है। फिर वो गार्ड्स को बुलाकर उनको पकड़ाने लगती है। सेल्स गर्ल कहती है तुम लोग तो हो ही गाँव के, ये कार जरूर चुराए होगा, अब पुलिस ही तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी।
और मॉम को मारने लगी थी, तभी शेंगनन उसे रोकती है और सेल्स गर्ल से कार छीन कर कहती है ये मेरा है और माफी मांगने कहती है। सेल्स गर्ल मना करती है तो वो पूरा स्टोरी बाय कर लेती है और मैनेजर आकर कहता है मिसेस शेंगनन आप यहाँ, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। शेंगनन कहती है पहली चीज जो इस सेल्स गर्ल को करनी चाहिए वो है मेरी मॉम से माफी मांगना। और मैनेजर गार्ड से कहकर सेल्स गर्ल को घुटनों के बल ला देता है। सेल्स गर्ल मॉम के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे माफी मांगने लग जाती है पर मैनेजर उसे जॉब से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेंगनन के रिजॉर्ट का इनॉग्रेशन हो रहा था, तभी एरकिंग बॉडीगार्ड्स के साथ आकर शेंगनन को रेड रोसेस से प्रपोज कर देता है। शेंगनन हाँ करती है और वो उसे रिंग पहना देता है। डैड और जाहुआ बड़बड़ाने लगते हैं। शेंगनन कहती है मुझे किसी रिच लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी रिच हूँ। एरकिंग कहता है कौन कहता है कि मैं रिच नहीं हूँ, मैं भी रिच हूँ। और फिर बहुत सारे गिफ्ट्स और पेंटिंग्स मंगवाता है और शेंगनन को कहता है ये 50 एकर्स की लैंड और ये प्राइवेट जेट और ये सारे गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मॉम देखकर हैरानी हो गई थी लेकिन डैड सबको कहते हैं कि ये सब फेक है और सब बातें बनाने लग जाते हैं। तभी एरकिंग के बायोलॉजिकल डैड आकर कहते हैं तुमने फाइनली मेरे लिए बहू ढूंढी ली। शेंगनन एरकिंग खींच कर कहती है तुम तो सच में रिचेस्ट मैन के बेटे निकले। और वो दोनों हंसते हैं और फिर शेंगनन के डैड और जाहुआ को पकड़वा देते हैं क्योंकि वो दोनों ने एरकिंग के रिचेस्ट डैड का नाम यूज करके कई लोगों को फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे थे और बताते हैं कि और उन्होंने लोगों से झूठ बोला था कि वही हुआशी टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। एरकिंग के डैड बताते हैं कि वही हुआशी टेक्नोलॉजी के रिचेस्ट सीईओ हैं पर डैड उनका विश्वास नहीं करते। पर जब जाहुआ फोन में चेक करती है तो सच निकलता है तो डैड उसके थपड़ा लगाकर मॉम के पैरों में गिर के माफी मांगते हैं लेकिन मॉम उनके थपड़ा लगा देती है। फिर शेंगनन उन्हें जेल में भिजवा देती है। फिर वो सब मिलके रिजॉर्ट की इनॉग्रेशन करते हैं और सब खुश हो गए थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।